डार्क वेब का इस्तेमाल करके दिल्ली एनसीआर में 150 से ज्यादा स्कूलों को ईमेल के जरिए बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद पुलिस और एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई। अधिकारियों के मुताबिक बताया गया कि आशंका है कि धमकी भरा ईमेल ISIS मॉड्यूल द्वारा भेजा गया। दिल्ली पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पता लगाया कि ईमेल रशिया के डोमेन से VPN यूज करके भेजा गया है और उन्हें डाउट है कि इसके लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया गया है। पर आखिर डार्क वेब है क्या? डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। वीडियो लाइक कर दीजिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। डार्क वेब इंटरनेट की वो दुनिया है जहां पर होते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड सारे इलीगल काम। इंटरनेट का 96% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब में आता है और हम इंटरनेट का केवल 4% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। नॉर्मल ब्राउजर से आप डार्क वेब को यूज नहीं कर सकते हैं। डार्क वेब को यूज करने के लिए टॉर ब्राउजर का यूज किया जाता है। डार्क वेब पर ड्रग्स, हथियार, पासवर्ड, एडल्ट कंटेंट और इस तरह की चीजें मिलती हैं। डार्क वेब पर हत्याओं की सुपारी देने से लेकर हथियारों की स्मगलिंग तक कई इल्लीगल काम होते हैं। डार्क वेब पर यूजर्स से उनकी पर्सनल डिटेल्स लीक करने की धमकी देकर मोटे पैसे वसूले जाते हैं। डार्क वेब पर ढेर सारे ऐसे स्कैमर्स भी होते हैं जो बेहद सस्ते में वो चीजें बेचते हैं जो कि बैन है और इलीगल है। पर आखिर डार्क वेब को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि डार्क वेब से किसी को ट्रैक और ट्रेस कर पाना नामुमकिन है। आसान शब्दों में कहा जाए तो डार्क वेब ढेर सारी IP एड्रेस से कनेक्ट और डिसकनेक्ट होता है, इसलिए इसे ट्रैक कर पाना असंभव होता है। डार्क वेब पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनक्रिप्टेड होती है, यानी उसे डिकोड करके एक्चुअल इन्फॉर्मेशन का पता लगा पाना नामुमकिन होता है। पर पैसों का लेन देन कैसे होता होगा? वो तो ट्रेस किया जा सकता है किसके अकाउंट से पैसे आए, राइट? पर डार्क वेब पर डील करने के लिए वर्चुअल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसे ट्रैक और ट्रेस नहीं किया जा सकता और इस तरह की करेंसी पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। एक लाइन में बताएं तो डार्क वेब इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां हर वो काम होता है और हर वो चीज मिलती है जो कि इल्लीगल है। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आप डार्क वेब एक्सेस कर सकते हैं और किया तो क्या होगा। देखिए, इंटरनेट में 4% सरफेस वेब और 96% डीप वेब होता है। सरफेस वेब हम सभी यूज करते ही है और डीप वेब को भी टॉर ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है जो कि लीगल है। पर क्राइम हर जगह होता है, तो इसी डीप वेब में एक क्राइम की दुनिया है जिसे कि डार्क वेब कहा गया है। इसे एक्सेस करने पर आपके साथ कोई भी क्राइम हो सकता है, तो डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश ना करें। सावधान रहें और वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो जागरूक रहें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए ट्विक लाइब्रेरी हिंदी को फॉलो जरूर कर लें।